पेट्रियट्स डर, पेट्रियट्स कहते हैं। शूटिंग शुरू हुई भी नहीं, प्रभास ने एंट्री मारी भी नहीं, तभी बस नाम सुनकर दे डाली इतनी बड़ी डील। दरअसल बॉक्स ऑफिस बाहुबली जिनके लिए हजार करोड़ की फिल्में देना एक रूटीन है, रूटीन जो ऑडियंस के बिना खुद को जीरो मानते हैं। ऐसे इंडियन सिनेमा के ग्रेटेस्ट एक्टर प्रभास की फिल्म फौजी को लेकर अभी जो हुआ है ना, उसे सुनने के बाद हम तो यही कहेंगे कि प्रभास तो एक भगवान है, भगवान। मतलब इस भगवान का नाम जिस भी फिल्म के साथ जुड़ जाता है, भक्त अपने आप ही उस फिल्म की तरफ दौड़े चले आते हैं। अब देखिए ना, इन भक्तों में अमेजोन प्राइम वीडियो भी एक भक्त है, जिसे प्रभास की इस फिल्म की ओटीटी राइट्स 150 करोड़ में खरीदने हैं और उन्होंने ऐसा ऑफर दे भी दिया है। और ये बस साउथ वर्जन के राइट्स होंगे, जैसे कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, इन सभी लैंग्वेजेस के राइट्स। पर बात ये है कि इस फिल्म में अभी तक प्रभास ने एंट्री मारी भी नहीं है, फिल्म की शूटिंग भी शुरू नहीं की है और इस फिल्म को लेकर कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है अभी तक। पर भी इतने यकीन के साथ 150 करोड़ इन लोगों ने खर्च करने का सोचा है, मतलब सिर्फ प्रभास के नाम पर ही यकीन करके इन्होंने ये काम किया है। असल में इसे ही कहते हैं जलवा। बाय द वे 150 करोड़ का ऑफर तो इन्होंने दिया है, बट अगर प्रभास की पिछली फिल्म हम देखें, जैसे कि आप कल की 2898 AD देख लीजिए, तो उसके साउथ वर्जन की ओटीटी राइट्स 200 करोड़ में खरीदे गए थे, वो भी अमेज़न प्राइम वीडियो ने ही खरीदे थे, और 175 करोड़ में नेटफ्लिक्स ने हिंदी वर्जन के राइट्स खरीदे थे। वहीं प्रभास की 700 करोड़ कमाने वाली अगर सालार की बात करें, तो उसकी ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स ने 162 करोड़ में खरीदे थे साउथ वर्जन के। यानी कि इन दो फिल्मों के कंपैरिजन में फौजी की ओटीटी राइट्स कम कीमत में खरीदे जाने के चांसेस है, पर ये अमाउंट भी ना कुछ कम नहीं है, और वो भी सिर्फ प्रभास इस नाम पर यकीन रखते हुए ये अमाउंट दी गई है। मतलब मेकर्स को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, तो यही तो होता है प्रभास को फिल्म में लेने का फायदा। वैसे प्रभास अब बस हिट पे हिट देने के लिए जाने जा रहे हैं, तो यही ना होगा। ऐसे में अब फौजी को लेकर अब यही लग रहा है कि ये एक हिट साबित हो सकती है, क्योंकि फिल्म फौजी एक हिस्टोरिकल फिक्शन है, जिसका कनेक्शन वर्ल्ड वॉर 2 से है। इसमें प्रभास का कैरेक्टर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है, और इसमें सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के एलिमेंट्स को भी शामिल किया गया है। इस फिल्म में भगवत गीता के श्लोक का भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये ऑडियंस को एक मॉडर्न महाभारत की तरह महसूस होगी। इसका मतलब कल्कि के बाद फिर एक बार महाभारत वाला टच एक और फिल्म में देखने को मिलने वाला है। बाय द वे, प्रभास का इस फिल्म से जुड़ा कोई पोस्टर अभी तक आउट नहीं हुआ है, बट उन्हें सोल्जर के अंदाज में देखना ये इस फिल्म का ना क्रेज बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल साबित हो सकता है। पर इसमें कहीं ये फिल्म कॉन्ट्रोवर्शियल एंगल का शिकार ना हो जाए। दरअसल इस फिल्म के डायरेक्टर हनु, जिन्होंने सीतारामम जैसी फिल्म बनाई थी, और फौजी को डायरेक्ट कर रहे हैं। सीतारामम में भी उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की एंगल को बड़े अनोखे तरीके से दिखाया था, और इस बार भी ऑडियंस कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। खैर जो भी होगा फिल्म आने के बाद मालूम चल ही जाएगा। वेल दोस्तों, आपका इन सब पर क्या कहना है हमें कमेंट से बताएं, साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828 8500 88.